subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने फोटोज़ पे आउटलाइन लगा सकते हैं. एंड फोटोज़ पे आउटलाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है. और हम अपने इस फोटो का यूज़ अपने थंबनेल्स में भी कर सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं. तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने फोटोज़ पे आउटलाइन लगा सकते हैं काफ़ी आसानी से. इसके लिए सिर्फ आपको एक ऐप को डाउनलोड करना है, पिक्सल लैब. देन अगली गेम स्टार्ट होती है. अब दोस्तों, सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है. देन ऐप ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा. देन आपने इमेज साइज में जाकर यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल साइज पे क्लिक करना है. देन यहाँ आप इसके बाद फ्रॉम गैलरी में जाएंगे एंड जो भी PNG आपने पहले से बना के रखा है आपने उसका यूज़ करना है. ध्यान रखिए कि आपको PNG पहले से ही बनाना पड़ेगा, और मैंने इससे रिगार्डिंग वीडियो पहले बना के रखा है कि किस तरह से आप किसी भी फ़ोटो का PNG बना सकते हैं. तो मैंने ये फ़ोटो का PNG पहले से बना के रखा है, तो मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से इस पर वाइट लाइन लगा सकते हैं. तो पहले आपने इसको एडजस्ट करना है अपने फ़ोटोज़ के अकॉर्डिंग. देन इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे जाना है एंड एंड स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है एंड इसको इनेबल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा. इनेबल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रोक विड्थ आएगी कि आप अपने स्ट्रोक का कितना साइज़ रखेंगे. जैसे अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो इसका साइज़ आप देख सकते हैं कि वाइट लाइन का साइज़ बढ़ रहा है. तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा. 3-4 के ऊपर अच्छा रहता है, 5-6 के ऊपर भी बेटर लगता है. देन इसके बाद हम कॉर्नर पे जाकर ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक करेंगे. देन इसको सेव में जाकर एक्सपोर्ट इमेज करेंगे तो ये PNG के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा. देन इसके बाद मैं आपको गैलरी में जाकर बताता हूँ ये किस तरह का फ़ोटो अभी लग रहा है. तो चलते हैं गैलरी में. तो रिसेंट में चेक करते हैं कि अभी रिसेंट में फ़ोटोज़ आ चुका होगा एंड आप देख सकते हैं कि कितना बेटर फ़ोटो बन चुका है विद वाइट आउटलाइन. एंड आप इस फ़ोटो का यूज़ कर सकते हैं अपने थंबनेल को और बेटर बनाने के लिए. मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हैं. एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. पीस.